Hey, so what's up guys? Welcome back to another gameplay video. तो कैसे हो, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मौज कर रहे होंगे। तो गाइज मैंने जो है फटाफट से मिशन स्टार्ट कर दिया है। तो पहले मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ कि क्या हुआ है। मैंने मिशन कंप्लीट तुरंत ही चालू क्यों कर दिया, इसके रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने मिलिट्री बेस एक ट्रैकिंग टैक लिया था, मतलब चुराया था, और एक मिलिट्री का जो टैंक है वो भी मैं लेके आया था, ठीक है। तो जो मिलिट्री का टैंक है वो मेरे को मतलब बेच देना था, मेरे को कुछ काम तो था नहीं तो मैंने बेच दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने भेजा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे को पास एक कॉल आया। अब अनडोन नंबर से मेरे पास कॉल आया था। उस बंदे ने मेरे को बोला कि मेरे को ना मिलिट्री बेस वाला टैंक चाहिए। तो मैंने तो टैंक जो है बेच दिया था। तो उसने मेरे को बोला कि जाओ मिलिट्री बेस और वहाँ से चुरा के लेके आओ और मेरे को वो टैंक दो फटाफट, ठीक है। तो अब पता नहीं वो बंदा बहुत जल्दी में था, तो उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने वापस कॉल उसको लगाया तो उसने मेरे को बताया, मतलब मैंने उसको बताया कि आप कौन हो, कहाँ से हो। मतलब मैं ठीक है टैंक तो आपको ला के दे दूँगा, उसके बदले मेरे को क्या मिलेगा। तो उसने बोला कि आपको जो चाहिए आपको मैं दूंगा, मेरे पास पैसे हैं, लग्जरीज कार है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो फिर मैंने बोला मैं रुको, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो फिर मैंने किरण को कॉल किया, किरण को मैंने ये सारी बातें बताई। तो किरण ने मेरे को बोला वो सब छोड़, अपने पास पहले इमरजेंसी आ गई है, ठीक है। मैंने बोला यार क्या हो गया। अब किरण ने मेरे को बताया कि अपना जो जो अपना जो विटनेस था उस पर जो फ्रैंक के बंदे आने वाले और उस पर अटैक करने वाले, उसको किडनैप करके ले जाने वाले, ठीक है। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, तो मेरे को फटाफट से वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो क्रैन ने मेरे को ऐसा बोला, तो मेरे को क्या हुआ फटाफट से मैं निकल गया, मेरे को जो भी गाड़ी मिली मैं लेके निकल गया। फिलहाल मेरे को ये बस गाड़ी मेरे को ये मिली है, अब इसमें मेरे को भी मज़ा नहीं आ रहा इसको ड्राइव करने में, क्योंकि इसका कंट्रोल ही सही नहीं है, देखो जहाँ जहाँ ठोक रही है। अब मेरे को मैं जो आगे गाड़ी जा रही है उसको पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो गाड़ी चाहिए, इसमें कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। फिलहाल मैं इस गाड़ी को मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन रोक ही नहीं रही, क्योंकि मेरी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसको क्या खाक रोकूंगा। फिलहाल देखो वो निकल ही जा रहा है, अब मैं उसको अभी रोकना ही पड़ेगा कुछ भी हो गए। तो फिलहाल मैंने इस गाड़ी को रोक दिया हूँ और इस बंदे की गाड़ी को लेके निकल गया हूँ, ठीक है। तो फटाफट से मेरे को अपने जो डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, वहाँ पर जाके मेरे को बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर जाना है। उस बिल्डिंग के ऊपर जाने के बाद मेरे को बंदे को मतलब स्नाइपर से मार डालना है, ठीक है। हमारे पास पुलिस भी साथ में ही है, तो वो कोई चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि पुलिस हमारे साथ में है। फिलहाल मैं अपने छत के ऊपर आ चुका हूँ और वहाँ पे आके यहाँ पे आके मतलब मेरे को एक स्नाइपर चाहिए, ठीक है। तो मैं स्नाइपर मैंने ले लिया और यहाँ पे जो देखो सामने दो पुलिस की गाड़ी है और अपना जो विटनेस है वो सामने ही है, मतलब उधर ही है, ठीक है। तो पुलिस हमारा जो है सिक्योरिटी का काम कर रही है और बंदों से हमको बचना है। तो फ्रैंक ने जो है बंदों को छोड़ दिया है, अभी देखो बंदे आ रहे हैं, इन लोगों को मेरे को मारना पड़ेगा और अब जो अपना विटनेस है उसको बचाना पड़ेगा, ठीक है। देखो फिलहाल मेरे को ये स्नाइपर मिल गया, मैंने यहाँ पे देखो एक ही गोली में हेडशॉट मार डाला, पाए रे क्या हेडशॉट है था यार। ओके तो अभी बहुत सारे बंदे आने वाले हैं, मेरे को मालूम है सारे बंदों को मारना पड़ेगा धीरे धीरे करके। अगर नहीं मारा अब तो खाली इतना करना है कि अपना जो विटनेस है उसके अंदर उसको अंदर जाने से रोकना है, ठीक है, और कुछ नहीं। फिलहाल देखो ये बंदे आ चुके हैं और इनको मैं हेडशॉट दे के मार रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेकिन कोई नहीं, मैं थोड़ा सा मारने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखो ये लोग भाग ही रहे और जो पुलिस है अपने साथ ही है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी बंदों को मार रही है। तो ये बात थोड़ी अच्छी लगी मेरे को कि पुलिस अपना साथ दे रही है। फिलहाल देख रहे हो हेडशॉट पे हेडशॉट मार रहा हूँ मैं और ये यहाँ का घूम रही है। तो ओके भाई, अरे यार चारों साइड से बंदे आ रहे गाइस, देख रहे हो चारों साइड से बंदे आ रहे हैं। अब इन लोग को मेरे को कुछ भी करके मारना पड़ेगा और हेडशॉट मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है मेरी, मेरे पास मैं तो एआर गन चलाता हूँ, स्नाइपर कभी चलाता नहीं हूँ। लेकिन कोई नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे और उन बंदों को मारने की कोशिश करेंगे, मारना भी है और उसको अंदर जाने से रोकना भी है, ठीक है। देखो यहाँ पे खड़े हैं, इनको हेडशॉट मार के रोकना है। अब देखो ये यहाँ पे आ गया, इसको भी मैं हेडशॉट मारता हूँ। कहाँ भागेगा बेटा? ओके शायद कोई गाड़ी आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को गाड़ी आ रही है। और बंदे आ रहे हैं फ्रैंक के, कितने बंदे हैं यार देख रहे हो, और बंदे आ रहे हैं। देखो मेरे को मालूम ही था कोई गाड़ी आ रही है, फटाक से गाड़ी आ गई। देखो भाई मैं इसको जाने ही नहीं दूंगा, यहीं से हेडशॉट मार दूंगा। ओके एक तो गया और एक दूसरा, भाई इसको गोली लग नहीं रही है। हाँ देखा गाइस क्या हेडशॉट था यार, क्या निशाना था। ओके तो अभी देखो, अरे यार कितने गाड़ी आ रही, देखो दूसरी भी गाड़ी आ गई है। इन लोग को मारना पड़ेगा यार, इन तो लोचा हो जाएगा, गोली नहीं लग रही। ओके एक को लग गई, अब दूसरे को भी मार दूँ। अरे बहुत तेज भाग रहा है तो यार, इसको रोकना पड़ेगा। ओके मार डाला मैंने, चलो इसको तो गया ख़त्म। और भी बंदे आ रहे हैं पीछे से, उन सारे बंदों को मेरे को मारना ही पड़ेगा नहीं तो लोचा होने वाला है। मतलब कि 5-6 अंदर बंदे चले गए तो हमारा जो मिशन है वो कम्प्लीट नहीं हो पाएगा और वो किडनैप करके फ्रैंक के बंदे किडनैप करके उसको अपने विटनेस को किडनैप करके ले जाएंगे, ठीक है। बस अपनों इतना ही ध्यान रखना है कि अपने को उसके अंदर जाने नहीं देना, ठीक है, अपना जो कोर्ट है कोर्ट के अंदर जाने नहीं देना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चल देख लो 4 बंदे इधर ही है,
इन लोगों को मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा स्कोप जूम नहीं हो रहा है क्या? मैं जूम, हाँ अभी जूम हो गया, देख रहे हो, जूम आउट करके मैं मार रहा था। इतना तेज जा रहा है यार। अरे वो भाग रहा है, इसको बचाना पड़ेगा। ओके पुलिस मेरे पास ही है। अरे पुलिस के पीछे खड़ा है, वो मार नहीं रहा, इधर मार रहा है। ये भी क्या, पुलिस वाले भी नशे सस्ते नशे करके आ जाते हैं। कोई नहीं, देखो अभी इन लोगों को मारना पड़ेगा। यहाँ पे भाग रहा है, फटाफट से इसको भी मार देता हूँ। और मेरे को लगता है फ्रैंक इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, कुछ तो करेगा वो, और बंदे को भेजेगा ज़रूर, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके तो इसको भी मार डाला मैंने। और ये, अरे यार कितना तेज भाग रहा है। नहीं 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 चला गया यार, कोई नहीं, अभी एक ही बंदा गया है, और भी बंदे जाने जानी चाहिए। मतलब पाँच छः बंदे जाएंगे तो ही अपने को जो है मतलब लोचा होने वाला है। तो कोई नहीं, हम लोग अभी एक ही गया है, बंदों को हम लोग मारेंगे। अभी किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, किसी को भी नहीं जाने दूंगा, इन सारे बंदों को मैं यहाँ से मार लूँगा। थोड़ा निशाना चूक रहा है यार, थोड़ा सा चूक रहा है, अभी प्रैक्टिस नहीं है स्नाइपर की। कोई नहीं, लेकिन हम लोग इसको मार रहे हैं अभी, सेफ ही अपना विटनेस सेफ है, अभी तक तो सेफ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बंदा अंदर गया है और एक यहाँ पे खड़ा है। और ये बहुत तेज भाग, अरे पुलिस वाले को मार डाला इसने यार, पुलिस वाले को मार डाला, बहुत अफसोस हो रहा है मेरे को। और ये क्या गाड़ी आ रही है क्या? अरे गाइस बहुत तेज़ गाड़ी आ रही है, लोग क्या करने वाले यार। ओ गाइस पुलिस वाले की गाड़ी को धमाका कर दिया यार, लेकिन पुलिस वाली गाड़ी ब्लास्ट हो गई, इन लोगों की गाड़ी ब्लास्ट क्यों नहीं हुई? एक बंदा और चला गया, इसको भी छोड़। ओके बच गया, अभी दो ही बंदे अंदर गए कंप्लीट यार, चलो फाइनली हो गया। ओके गाइस तो हमने जो है विटनेस को बचा लिया है। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आगे मैं आपको बात करूँगा उस टैंक के बारे में।